Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. Hello guys, welcome to our channel. गाइस इस वीडियो में मैं आपको कुछ धमाकेदार इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे कि पबजी मोबाइल अनबैन और नए ऐप, नए पबजी मोबाइल अल्टरनेटिव फौजी के बारे में। तो गाइस इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना, और जो हमारे चैनल पे नए हो वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि गेम से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन और एक्साइटिंग गेमिंग वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलो गाइस बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी ने देखा, पबजी मोबाइल ऑलरेडी इंडिया में बैन किया जा चुका है और प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है इसे। तो इससे पबजी वाले बहुत नाराज़ हो चुके हैं और वो लगातार पबजी मोबाइल का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उस पर स्पैम मैसेज किए जा रहे हैं पबजी मोबाइल अनबैन करने के लिए। और जवाब में पबजी मोबाइल की तरफ से बताया गया है कि वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं इंडिया में पबजी मोबाइल वापस लाने के लिए। और गाइस पबजी मोबाइल तभी अनबैन हो सकता है इंडिया में जब वो जो चाइनीज़ डेवलपर टेंसेंट उससे सारा रिश्ता तोड़ दे पबजी कॉरपोरेशन। गाइस ये पॉसिबल तो है बट बहुत मुश्किल है। और ये भी पता चल रहा है कि पबजी कॉरपोरेशन और टेंसेंट इंडियन गवर्नमेंट को ये प्रूफ दिलाएगा कि पबजी मोबाइल और इसके जो यूज़र्स हैं, हम जो यूजर्स हैं उनके प्राइवेसी सेफ रहता है। और गाइस अगर गवर्नमेंट इसे एग्री करता है तो शायद पबजी मोबाइल फिर से वापस आ सकता है इंडिया में। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको नकार दिया तो पबजी कॉरपोरेशन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, वो है टेंसेंट से सारा जो रिश्ता है वो तोड़ देने का, नहीं तो वो पबजी मोबाइल इंडिया में वापस नहीं आ सकता। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिए है ये हमारे और हमारे जवान के जो सिक्योरिटी है इसके लिए ही लिए हैं, और इस डिसीजन को हमें मानना पड़ेगा क्योंकि इनका सबसे पहले तो हमारा देश और फिर पबजी मोबाइल। और अब एक खुशी की खबर ये भी निकल के आ रहा है, कल अक्षय कुमार ने अपना जो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम उस पर पोस्ट किए हैं, वो दिखा रहे हैं वहाँ पे कि वो नए गेम लॉन्च करने वाले हैं पबजी मोबाइल अल्टरनेटिव, और वो गेम है फौजी, और उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये प्योरली मेड इन इंडिया गेम है, इंडिया में डेवलप्ड किया गया ये गेम है, और इससे जो हमारे जो पीएम का आत्मनिर्भरशील भारत जो मूवमेंट है उसको फॉलो करते हुए ही ये जो ऐप डेवलप किया गया है। और ये गेम पबजी की तरह ही इसमें मल्टीप्लेयर मोड और बैटल रॉयल मोड सभी दिखे जाएंगे। और गाइस इस गेम से जो भी प्रॉफिट होगा तो उसका 20% भारत के वी ट्रस्ट में दिया जाएगा, तो जो हमारे आर्मी के लिए है, और इससे उनका फाइनेंशियल हेल्प भी होगा। तो वैसे हमारे लिए तो हमारे देश के जवान बहुत कुछ करते हैं, ज़रा हम भी कुछ करके दिखाएं उनके लिए। और ये गेम हम जब भी खेलेंगे तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारे इंडियन आर्मी को जाएगा, तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात होगी। और इसमें आप बहुत कुछ सीख भी सकेंगे, जैसे कि हमारे इंडियन आर्मी कैसे अपने ब्रेवनेस के साथ, अपने टेक्निक के साथ एनिमी को मार गिराते हैं बॉर्डर पे, तो ऐसा कुछ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो गाइस इस गेम को उतना ही प्यार देना है जैसे हम पबजी मोबाइल को देते हैं। अब बस लॉन्च करने की देर है, तो गाइस यहाँ पे ही वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।